महाराष्ट्र से सटे राज्य होने के चलते मध्य प्रदेश में अब कोरोना के मामला लगातार बढ़ी रहे हैं। जो निकल के कहोन कहो जो नए आंकड़ा आ रहे हैं वो चिंताजनक है। जो निकल के अब यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन लागी। यह पूरे मामला में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बेहद बड़ा बयान दीन गया है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सवेजनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि महाराष्ट्र से सटे राज्य हो के कारण मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर दोबारा से जो है बढ़ रहा है। भोपाल इंदौर समेत कई एक जिला में आंकड़न के द्वारा जो है सरकार की टेंशन बढ़ी गई है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा सख्ती और गाइडलाइन के तेजी से पालन करवावा जा रहा है। यह बीच अटकल यह लगाव शुरू हो गई रही कि का एमपी में दोबारा से लागी लॉकडाउन। ये मां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विराम लगावत की बेहद बड़ा बयान दींदा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि आज कल जो इशारा करते थे वो काम हो जाते हैं। आंकड़न को लेकर चिंतित थे लेकिन वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं आई। सभी समय का मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर चाहिए। सीएम शिवराज के द्वारा कहा गया कि अब नहीं चाहता है कि एमपी में दोबारा लॉकडाउन जैसा कोनो स्थिति बने। कोरोना अब एक गा नहीं आए, ऐसे आप अपना ऐसा काम ना करी जौने से फिर से लॉकडाउन की ओर जाए का पड़े। इंदौर में गुरुजी सेवा न्यास के नवनिर्मित ओपीडी चिकित्सक शुभारंभ करे पहुंचे सीएम शिवराज सिंह के द्वारा कहा गया कि प्रदेश में माफिया राज चली तो सरकार सख्ती दिखाई, प्रदेश में प्यार चली तो लेकिन लव जिहाद न चली। आजकल इशारे इशारे में वो काम कर रहे हैं, बाकी काम अपने आप हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह कोरोना कले के लॉकडाउन के जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें पूरी तरह से मुख्यमंत्री विराम लगा चुके हैं, किंतु यह जो है चिंताजनक स्थिति से वो जो है डरे हैं और यह बात कह रहे हैं कि कोरोना बेगा नहीं आए और लॉकडाउन जैसा स्थिति से बचे खातिर हमका नियम कानून के पालन अवश्य करे के पड़ी। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।